अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और आप देख रहे हैं बाबर इलेक्ट्रिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों हम आज आपको एक्सटेंशन लीड बनाने सिखाएंगे। जो स्पेयर लीड होती है वो किस तरह बनानी है। तो दोस्तों ये हमारे पास चार सॉकेट हैं और एक्सटेंशन लीड वाली ये जो डब्बी है और 40-76 हमारे पास ये तार है। तो दोस्तों इसके ऊपर चार स्क्रू लगे हैं, बस आपने उन स्क्रू को खोल लेना है जिस तरह के आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके ऊपर चार स्क्रू लगे हैं, वो हम खोल लेते हैं। दोस्तों हमने ये चार स्क्रू खोल लिए हैं और इसके ऊपर ये इसका जो फ्रेम होता है इसके ऊपर हम ये सॉकेट लगाएंगे। तो ये सॉकेट हम सारे लगा रहे हैं इसके ऊपर। अगर आप इसके साथ एक बटन भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन बोर्ड पे तो वैसे ही बटन होता है जहाँ पे हम लीड का शू लगाएंगे, तो इसलिए हम सारे सॉकेट लगा रहे हैं। तो ये आपने सॉकेट के स्क्रू खोल लेने हैं पीछे से और स्क्रू इसके ऊपर फिर हम टाइट करेंगे आप जिस तरह के वीडियो में देख रहे हैं। तो दोस्तों आपने इस तरीके से ये स्क्रू हैं जो वो टाइट करने हैं जिस तरह आप देख रहे हैं। आपने लूज़ भी नहीं रखना स्क्रू को और ज़्यादा टाइट भी नहीं करना। अगर ज़्यादा टाइट करेंगे तो जो हमारी सॉकेट है ये टूट जाएगी, तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो ये हमारे पास दूसरी सॉकेट है, हम इसके भी स्क्रू खोल के और जिस तरह पहले हमने सॉकेट लगाई थी इस तरतीब से हम सारी सॉकेटें लगाएंगे। दोस्तों आप भी इस तरीके से हमारी वीडियो को देखकर अपनी एक्सटेंशन लीड बना सकते हैं घर के लिए जो इस्तेमाल में आती है इस्त्री के लिए, और वॉशिंग मशीन या टेबल फ़ैन लगाने के लिए, जूसर मशीन होती है उससे लगाने के लिए हमें एक्सटेंशन लीड की ज़रूरत होती है। तो आप भी इस वीडियो को देख के एक्सटेंशन लीड को बना सकते हैं। यह हमारे पास तीसरी सॉकेट है, इसके भी हम स्क्रू खोल लेंगे और इसे ये जो एक्सटेंशन लीड है डब्बी है इसके ऊपर हम इन स्क्रू को लगाएंगे। और दोस्तों ये चौथी हमारे पास सॉकेट है, ये भी हम एक्सटेंशन लीड है जो उसके ऊपर लगाएंगे। तो दोस्तों ये जो सॉकेट है ना, आपने ना इसके पेच ढीले रखने और ना ज़्यादा टाइट, पर मैंने ठीक से टाइट करेंगे तो ये हमारी जो सॉकेट है वो टूटेगी नहीं। आपने बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना इसे, नहीं तो ये टूट भी जाती है सॉकेट। दोस्तों ये देख रहे हैं आप, हमने चार जो सॉकेट हैं वो एक्सटेंशन लीड पे लगा ली हैं। तो ये जो इसके पीछे स्क्रू हैं सॉकेटों के, वो आपने खोल लेने हैं। सारे स्क्रू आप इसके खोलेंगे सॉकेटों के तो फिर हम इसकी वायरिंग करेंगे सॉकेटों की। तो सारे जो स्क्रू हैं वो आपने लूज़ कर लेने हैं। तो दोस्तों आपने कोई 3-29 या 7-29 की वायर लेके उसे
इंसुलेशन उतार के उससे जो अंदर कॉपर वाली वायर होती है वो आप जिस तरह वीडियो में देख रहे हैं इस तरीके से एक साइड वाली सारी आपने लुकिंग करनी है। आप चाहें दो या तीन तारें उसमें से निकाल के एक तार निकाल के आप इस तरह एक साइड वाले पहले सॉकेट जो है उसमें आपने लुकिंग करनी है। वो दूसरी साइड है जो वो भी आपने इसी तरह से वायर लेके और सारी जो सॉकेट एक साइड वाले पॉइंट है सारी सॉकेटों के वो आपने आपस में लुकिंग करनी है जिस तरह के आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरतीब से आपने इसकी लुकिंग करनी है। इसके जो स्क्रू हैं वो आपने फुल टाइट करने हैं ताकि स्पार्किंग का खदशा ना हो। तो दोस्तों हमने एक साइड वाली सारी एक्सटेंशन लीड है सॉकेट लगाई है एक साइड वाली हमने लुकिंग कर लिया और दूसरी साइड पे भी आपने उसी तरीके से लुकिंग करनी है। और दोस्तों ये हमारे पास फ्लेक्सिबल 40/76 वायर है, ये हमारे पास फ्लेक्सिबल 40/76 वायर है, ये हम लगा रहे हैं। हम इसके ऊपर इस्त्री भी चला सकते हैं और इस साइड पर ये देखें ये जो डब्बी एक्सटेंशन लीड इसके ऊपर सुराख है, इससे यहाँ से हम तार को गुजारेंगे। गुजार के आपने तार को गिरा लगा लेना ताकि जब भी तार खींचें तो हमारी जो अंदर वायर होगी वो टूटे ना, उसके कनेक्शन वो निकले ना वायर। आपने तार को गिरा लगा लेना है। इस तरीके से दोस्तों आपने तार को गिरा लगा लेना है ताकि जो हमारी तार है वो खींचने पर अंदर से कनेक्शन उसके टूट ना जाए। तो ये हमारे पास 40/76 तार है, आपने ये देखें इस तरीके से इसकी इंसुलेशन उतारेंगे हम और इसके कनेक्शन करेंगे। आपने इस तरीके से इंसुलेशन इसकी उतार लेनी है ताकि इसकी जो अंदर कॉपर की वायरें हैं अंदर तो वो डैमेज ना हो। आप इसे एक दो डबल करके इस तरह बैंड देंगे तो ये उसे डबल करेंगे तो फिर सॉकेट में लगाएंगे तो ये हमारे जो वायर के कनेक्शन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे और उसमें लूजिंग का भी ख़तरा ना होगा। ये देखें आपने थोड़ी सी एक्स्ट्रा वायर को आपने छील के इसके ऊपर से जो इंसुलेशन है वो उतार लेनी है और उसे एक या दो डबल करेंगे तो हमारे जो ये कनेक्शन है वो अच्छे तरीके से हो जाएंगे, लूजिंग नहीं रहेगी। दोस्तों आप कहीं से भी कनेक्शन इसके शुरू कर सकते हैं। ये देखें पहले जो सॉकेट है उसके जो दो पॉइंट है उसके ऊपर इसके ऊपर भी आप 40/76 की दोनों वायरें लगा सकते हैं। ये देखें एक जो वायर है एक उस साइड पे और एक उस साइड पे, और चाहे आप दरमियान में लगा लें या चाहे आप एंड पे लगा लें, आपने एक उस पॉइंट पे लगाना है सॉकेट के और एक दूसरे पॉइंट पे। तो इस तरीके से आप एक्सटेंशन लीड में जो वायर लगती है उसके कनेक्शन कर सकते हैं। आपने अच्छे तरीके से इनको टाइट कर लेना है। ये देखें आपने एक पहले इधर पॉइंट पे और दूसरे सॉकेट के दूसरे पॉइंट पे एक्सटेंशन लीड की वायर को लगा लेना है और इस हम एक्सटेंशन लीड को अब बंद करेंगे। तो दोस्तों इसके ऊपर हम जल्दी से चार स्क्रू लगा लेते हैं
दोस्तों हमने एक्सटेंशन लीड के जो ऊपर वाले स्क्रू थे वो लगा लिए हैं और अब इसके हम ऊपर टेस्ट बत्ती को लगा के आपको चेक करके दिखाएंगे। तो ये हमारे पास एक्सटेंशन लीड का 2-पिन शू है और हमने 220 वोल्ट में लगा दिया इसे। तो ये हमारे पास टेस्ट बत्ती है, इससे हम आपको चेक करके दिखाएंगे कि लीड में करंट आ रहा है या नहीं। तो इस तरीके से भी दोस्तों आप एक्सटेंशन लीड बना सकते हैं घर पे। ये देखें हमारी जो एक्सटेंशन लीड है वो प्रॉपर ठीक वर्क कर रही है। ये देखें इसकी जो टेस्ट बत्ती हमने इसके ऊपर लगाई है सॉकेट में, तो करंट आ रहा है सॉकेटों में, है ना। हमारे जो कनेक्शन है वो बिल्कुल ठीक हैं। और दोस्तों अब हम इसके ऊपर आपको ड्रिल मशीन भी आपको लगा के दिखाते हैं। ये हमारे पास एक ड्रिल मशीन है। ये दोस्तों इसका हम 2-पिन शू लगा के एक्सटेंशन लीड में तो आपको चेक करके दिखाते हैं। इसका हमने 2-पिन शू लगा दिया है और ये देखें आप देख रहे हैं ये हमारी ड्रिल मशीन चल गई है।